फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पे। हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आपने कल वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो कल हमें जाना पड़ा, तो कल हमने खाना बना खाया, तैयार होकर निकल गए। तो आज मैं निकल रहा हूँ बर्डिंग के लिए और अपना इधर पूरा विलेज एक्सप्लोर करेंगे। और हमारे अनिल भाई आज हमारे लिए खाना बना रेडी करते हैं, जब तक तो हम घूम के आते हैं। चलो अनिल भाई, मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। चलो ठीक है भाई, मैं तो आ नहीं सकता हूँ। और पांडे जी से भी मिलाएंगे आज आपको। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं हमारे पांडे जी की दुकान में, जहाँ हम इनके घर पर रहते हैं अभी किराए पर। और आज मिलते हैं इनसे और बात करते हैं कैसा लगता है। हमारे पांडे जी काफ़ी टाइम से इनके यहाँ पर मैगी वैगी की दुकान है, अपनी मैगी पॉइंट है, पांडे जी मैगी पॉइंट के नाम से। कभी भी आप सीतावनी में आते हो तो इधर आप मैगी खाने ज़रूर आ सकते हो। तो सर कितने सालों से लगा रहे हो आप अभी? अभी मैं 4 साल से। 4 साल से इनका अपना बिजनेस यहाँ पर अपना स्टार्ट है। और पहले शायद आप जॉब करते थे ना? हाँ, पहले जॉब करता था होटल में। पहले जॉब करते थे अब इन्होंने 15 साल इन्होंने होटल में जॉब करा, उसके बाद अपना इन्होंने अपना शायद अपना मैगी पॉइंट वगैरह खोल दिया है। तो आप आ सकते हो क्योंकि इन्हीं का गाँव है ये अमगढ़ी। बाकी आज आपको दिखाते हैं फिर अमगढ़ी इनका गाँव पूरा अच्छे से। चलिए सर मिलते हैं फिर। बाकी देखिए दोस्तों, देखो यहाँ पर एक छोटा सा हट बनाया हुआ है, आराम से आप यहाँ पर बैठ के इंजॉय कर सकते हो। आराम से इधर पूरा बैठने के लिए आप अपना इधर सामने आपकी ये पूरा रोड आ रही है। और इस तरह इनका अपना किचन वगैरह शॉप है। और ये रहे ओनर, काफ़ी मतलब इंजॉय आप बैठ के आराम से इंजॉय कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो थोड़ी देर। यहाँ पर सामने बिल्कुल व्यू है पूरा जंगल का, काफ़ी इंजॉय कर सकते हो आप। दोस्तों ये जो रास्ता जा रहा है गांव को जा रहा है, तो इस रास्ते में अभी हमें चलना है और चल के देखते हैं शायद कुछ बर्ड वगैरह हमें मिल जाए। आई होप, उम्मीद तो है कि कोई बर्ड्स वगैरह हमें मिले। और करते हैं कुछ क्रेजी, तब तक के लिए बने रहो वीडियो में। अगर आप नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो यार, और लाइक करो, कमेंट करो। आई होप ये रास्ता कहाँ जा रहा है। अरे मैं किसी के घर पे आ गया। मारते मुझे पकड़ के अभी। आई होप ये है रास्ता। पीछे देखो यार क्या मस्त नज़ारे हैं। काफ़ी सारी बर्ड्स की साउंड आ रही है यहाँ पर। वो देखिए उधर टावर के बगल में एक थोड़ा सा प्लेन एरिया है, शायद वहाँ तक पहुँचे आज, तो फिर देखते हैं क्या है वहाँ पर। तो दोस्तों मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा रास्ता किधर है, पूछता हूँ अभी किसी से रास्ता किधर को है। हेलो बच्चू, हेलो। रास्ता कहाँ को है ऊपर को? ऐसे जाना था ऊपर, ये वाला। हाँ इधर ही गांव में जाना है। तो रास्ता भी मिल चुका है, क्योंकि दूसरों के गांव में डर तो लगता ही है भाई, कोई कुछ भी कहते भाई कहाँ जा रहे हो। तो अभी रास्ता मिल चुका है। ये रास्ता कहाँ लेके जाएगा हमें, देखते हैं। तो गाइस ये देखो दो हमारे बर्न शैलो यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इधर पूरा नज़ारा आप देख सकते हो। करते हैं कुछ स्टनिंग फोटोग्राफी इनकी, तब तक के लिए आप बने रहो। और सामने पूरा जंगल है हमारा। तो दोस्तों
इस तरफ एक रेड वेंटेड बुलबुल बैठी हुई है, और फिर से मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है कि रास्ता किधर से है। आई होप, मुझे लगता है इधर से जाना पड़ेगा हमें वहाँ तक, बट हमें ये टावर के पास जाना है उस तरफ पीछे। एक लास्ट घर मेरे पीछे है, चलिए वहाँ तक जाके देखते हैं कि क्या है मामला, क्योंकि मुझे घर तो बंजर जैसा ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है बंद है, और पीछे इधर है पूरा विलेज है। चलिए दोस्तों बने रहो। आई डोंट नो मैं कहाँ जा रहा हूँ यार। अदरक, अदरक की खेती हुई है यहाँ पर, देखो पूरा अदरक ही अदरक है। चाहिए आपको? ले जाओ यार, थोड़ा थोड़ा दे देते हैं गाँव वाले। शायद गलत रास्ते में आ चुका हूँ मैं, रास्ता भटक जा रहे हैं बार बार। तो गाइस फिर से रास्ता भटक गया हूँ, वापस चलते हैं और उस रास्ते से चलते हैं। तो अभी अभी हमें देखो क्या मिला है, एक टच मी नॉट, जिसको हमारे यहाँ बचपन में छुई मुई बोलते थे। छुई मुई यानी कि उसको जैसे टच करो वो बंद हो जाती थी उसकी पत्तियाँ, तो वैसे तो उसे टच मी नॉट प्लांट कहते हैं। चलो आपको दिखाता हूँ कैसा होता है। तो गाइस ये जो प्लांट है टच मी नॉट का है, अभी देखो आप इसको टच करते ही देख रहे हैं जादू। ये देखो बंद हो गई, इसको देखो अभी, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, टच करोगे पत्तियां बंद, देख रहे हो जादू। देखना अभी आप, ये है। तो दोस्तों मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, देख रहा हूँ मैं कहाँ आ चुका हूँ। टावर तक तो हम पहुँचने वाले हैं, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अभी हम कहाँ पहुँचते हैं। रास्ता नहीं दिख रहा इधर भाई। तो दोस्तों इस घर में तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है, बस एक गाय की बच्चिया बंधी हुई है, थोड़ा धुआं निकल रहा है बट कोई दिख नहीं रहा है। बाकी पीछे देखो यार कितना स्टनिंग हो गया मौसम, ज़बरदस्त। बाकी चलते हैं, एक रास्ता तो मुझे नज़र आ रहा है इनके घर के पीछे से, आई होप वही रास्ता हो, पूछते हैं। अच्छा यहाँ से जाना है इधर को? अच्छा, और जो ऊपर घास का मैदान जैसा दिख रहा है वहीं पहुँच जाएगा, वहाँ पर भीड़ है, भीड़ में पहुँच जाएगा। हाँ भीड़ में पहुँच जाएगा रास्ता, टावर तक जाएगा ना ये? अरे टावर पर ऐसे तेरे पुर वो खंबो तो यहाँ को खंबो का उठाऊं रोड रोड है जहीं है टावर से। अच्छा रोड है वहाँ पर? रोड से। अच्छा चलो फिर जाता हूँ। दोस्तों अभी कह रहे हैं कि उस तरफ से जाओ, जाके देखते हैं फिर पहुंच पाते या नहीं पहुंच पाते, चलिए दिखाते हैं अभी। तो दोस्तों गांव से निकलते निकलते हम यहां पहुंच चुके हैं रोड में। ओहो ये देखिए रोड में पहुंच चुके हैं अभी हम, जूते हमारे पूरे गीले हो चुके हैं गाइस। अम्मा ने रास्ता सही बताया, रोड में पहुंच गए हैं, और टावर ये पीछे आप देख सकते हो। आई होप वो प्लेन सी जगह दिख जाए जो नीचे से दिख रही थी, देखते हैं कैसी है। कितना ओपी हो चुका है, तो फाइनली जिस जगह को हम वहाँ से ढूंढते हुए आ रहे हैं, ढूंढते ढूंढते थक चुके हैं, फाइनली वो जगह आ चुकी है। ये नहीं, इधर देखिए आप, ये देखिए पीछे प्लेन एरिया दिख रहा है ना,
तो ये है, बाकी जो हम वहाँ से देख रहे थे नीचे से वो थोड़ा मुझे लग रहा है ऊपर टॉप पे है, ऊपर टॉप पे। बाकी यहाँ आओ यार, आप यहाँ से नज़ारे देखो, आप तो यहाँ से देखो नज़ारे गाइस। ये देखो गाइस, यहाँ से भी पूरा आपको रामनगर सब कुछ दिखेगा। चलिए आपको दिखाता हूँ कुछ नज़ारे। तो दोस्तों देखो यार, यहाँ क्या मस्त फूल लगाए हुए हैं, चारों तरफ फूल ही फूल लगा दिए। और जो एरिया वहाँ से दिख रहा था वो गाइस ये है, और शायद और ऊपर भी है, देख लो। चलो इसके ऊपर जाके देखते हैं कैसा वहाँ से कैसा लगता है, कैसे नज़ारे आते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी दिखाते हैं आपको। चलिए तो दोस्तों चलते चलते, गर्मी काफ़ी लग रही है, आप देख सकते हो पीछे ब्लू स्काई हो चुका है। ओह माय गॉड, आई होप अब सिर्फ बर्ड्स हैं यहाँ, कल से मॉर्निंग में ही आता हूँ। काफ़ी सारी न्यू बर्ड्स की आवाज़ सुनने को मिल रही है। ये देखो यार, फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पे। जो रास्ता में जो घास का एक छोटा सा मैदान वहाँ से टॉप से दिख रहा था, अब उसके टॉप पे हम आ चुके हैं। देखो यार पूरा ये मस्त सा आपका स्टनिंग व्यूज। ये देखिए पीछे नीले नीले अंबर पे, इसके बाद क्या है पता नहीं। चलो फिर वादे को मज़ा ही ले लिया जाए थोड़ी देर, और आपको दिखाता हूँ कुछ स्टनिंग व्यूज, तब तक बने रहो। शायद यहाँ कोई घास काटने भी नहीं आता है। ओह चुप गया। चलिए दोस्तों बने रहो वीडियो में, और फिर मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो पे, ऐसी किसी इंटरेस्टिंग जगह पे, क्योंकि बहुत सारे गांव यहाँ हैं जो हमें अभी भी एक्सप्लोर करने हैं। आप देख सकते हो यार नज़ारे पीछे देखो, और ऐसे नज़ारों के लिए बने रहो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और फिर मिलते हैं आपको ऐसे किसी नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग पर।
और लाइक शेयर कमेंट करो यार दोस्तों, अच्छी लगती है तो कमेंट कर दो। और फिर मिलते हैं आपको ऐसे किसी नए ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय। आप भी अपना ध्यान रखो, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो रहा है जाने का, तो मुझे जाना पड़ेगा वापस। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं आपको, ठीक है, बाय।